हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, और वो 3 डिकेड से एक इनोवेटिव और कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रही है। उस कंपनी का नाम है HFCL, और द फास्ट 3 डिकेड्स HFCL हैज़ डिलीवर्ड इनोवेटिव कस्टमाइज एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड लेटेस्ट सोल्यूशन इन द हाई टेक्नोलॉजी टेली कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेली कम्युनिकेशन में ये कंपनी इनोवेटिव कस्टमाइज्ड एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है अपने कस्टमर को, देयर बाय एनेबलिंग इट्स कस्टमर टू स्टे अहेड देयर पीयर्स इन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क एफिशिएंसी। नेटवर्क एफिशिएंसी में भी वो अपने कस्टमर को अच्छा खासा नेटवर्क और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। द कंपनी एक्टिविटी कवर द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीडिंग एज टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कंपनी को एंटायर वैल्यू चेन प्रोवाइड कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन तक ये कंपनी उस कंपनी को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, द कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इंटेलिजेंट पावर सिस्टम एज अ टेलीकम्युनिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर। टेलीकम्युनिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर में अब ये अपने कस्टमर को इंटेलिजेंट पावर सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स प्रोवाइड करती है। द कंपनी हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स द इंक्लूडिंग द सीटिंग ऑफ द CDMA एंड GSM नेटवर्क। CDMA एंड GSM नेटवर्क के लिए ये अपना योगदान दे रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एंड DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क, इस पर भी ये काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन में इनके प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स, फ्यूचर लाइन, एरियल, आर्मर्ड, FTTX, माइक्रो, अनआर्मर्ड एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, माइक्रोवेव रेडियोज, GPON, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकॉम पावर, बैटरी मैनेजमेंट, सोलार, और इनके डिफरेंट सॉल्यूशंस है टेलीकॉम नेटवर्क्स में FTTX, इन बिल्डिंग OFC, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन। ये रेलवे में भी काम कर रहे हैं, रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क, सेफ एंड स्मार्ट सिटीज एंड सर्विलेंस सॉल्यूशन। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में। ये कंपनी अच्छा खासा योगदान दे रही है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। इस कंपनी के प्रोडक्ट अब डिटेल में जानते हैं। HFCL इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अभी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जियो के आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रही है, इसमें इनका अच्छा खासा योगदान है। ये उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। द कंपनी हैज स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटी एट सोलान, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड चेन्नई, तमिलनाडु, एंड कैटर्स टू बोथ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। ये इंडिया का एंड ग्लोबल मार्केट कैटर करने के लिए इनके प्रोडक्शन फैसिलिटी है सोलान, हिमाचल प्रदेश में, गोवा एंड चेन्नई, तमिलनाडु में। HFCL इन जॉइंट वेंचर विथ कैनेडियन एंटरप्राइजेस ड्रैगन वेव। HFCL का जॉइंट वेंचर है कैनेडियन एंटरप्राइजेस ड्रैगन वेव के साथ, सप्लाई फुल रेंज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स, IP रेडियोज अप टू 23 GHz। HFCL products are based on advanced technology design, situated to the extreme environment prevalent in India and have the reputation of being robust and reliable. ये अलग अलग environment में काम करने के लिए worst से worst condition में काम करने वाली technology और design develop कर रहे हैं। Beside India, our product are exported to the UK. India के बाहर भी इनके product जाते हैं, UK, Eastern Europe, Africa and Middle East, एज वेल एज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्री में और इंडिया में भी। और इनके सोल्यूशंस हम डिटेल में देखते हैं अभी। HFCL प्रोवाइड्स कॉम्प्रेंसिव सोल्यूशन फॉर बिल्डिंग ऑफ वायरलेस एंड ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये वायरलेस, ऑप्टिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में काम कर रहे हैं, सच एज ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रूरल GSM नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क, रेडियो बचॉल, फाइबर टू द होम एंड इन बिल्डिंग सॉल्यूशन। आवर कंसेप्ट टू कंप्लीशन अप्रोच ऑफर अ बॉन्केट ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड फिजिबिलिटी स्टडीज़।
चॉइस ऑफ मीडिया सर्वे, डिज़ाइन प्लानिंग इंजीनियरिंग सप्लाई लेइंग डाउन ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन कमीशनिंग नेटवर्क मेंटेनेंस, ये सभी प्रकार के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। HFCL ऑफर्स इनोवेटिव इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशन इंडिजीनियसली डेवलप्ड एट आवर लैब एंड फैक्ट्रीज टू प्रोवाइड हाईएस्ट नेटवर्क अप टाइम एट ऑप्टिमम कॉस्ट। HFCL थ्रू इट्स पॉलिश टेक्नोलॉजी कंपनी पॉलिक्सिल ऑफर्स सर्वेलियंस एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड सेफर एंड स्मार्टर अर्बन सिविलियन एनवायरनमेंट। ये सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में अपना अच्छा खासा योगदान दे रही है फॉर सेफर एंड स्मार्टर अर्बन सिविलियन एनवायरनमेंट के लिए। आप देख सकते हैं इनके सॉल्यूशंस, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, सेफ एंड स्मार्ट सिटी के लिए कैमराज, उसकी टेक्नोलॉजी, डिफेंस में भी इनकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी फुल स्ट्रेंथ के साथ। इनका विजन देखते हैं, विजन एंड मिशन। HFCL इज कमिटेड टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूचरिस्टिक एंड टू एंड टेलीकॉम सॉल्यूशन विथ फोकस ऑन डेवलपिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी टू मेंटेन सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड क्रिएट वैल्यू ऑल स्टेक होल्डर्स। मिशन इनका, HFCL विल टैप अपॉर्चुनिटी इन द ब्रॉडबैंड रिवोल्यूशन। ये ब्रॉडबैंड में रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं विथ फोकस ऑन न्यू रेंज ऑफ IP बेस्ड प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टू प्रोवाइड रिलेटेड सर्विसेज। ये मैन्युफैक्चरिंग में IP बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छे खासी रेंज प्रोवाइड करने का मिशन है इनका। अभी हम आते हैं कंपनी के प्राइस पे। कंपनी का प्राइस चल रहा है 81.15 रुपीज़, और इस कंपनी ने पास्ट ईयर में 196% के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को। अब देख सकते हैं इसका 5 साल का पैटर्न। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर को 463% के रिटर्न दिए। ये कंपनी 2018 से पहले 20 रुपीज़ के भी नीचे थी। इसका 52 वीक लो है 23 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 100 रुपीज़, और अभी चल रहा है 81 रुपीज़ पे। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख सकते हैं आप। ये कंपनी 2000 में 2115 रुपीज़ पे चल रही थी, और 2002 में ये पूरा शेयर क्रैश हो चुका है, और तब से लेके ये फ्लैट चल रहा है, और अभी इसमें जंप आ चुके हैं 1 साल पहले। अब देख सकते हैं 5 साल से जो होल्ड कर रहे हैं शेयर को, वो शेयर होल्डर भी अभी 500% प्रॉफिट में है, और जो 1 साल से होल्ड कर रहे हैं वो 200% प्रॉफिट में है। और इसने मैक्स ऑल टाइम में अपने शेयर होल्डर को 120% के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को। तो चलिए इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,143 करोड़। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 23 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 101 रुपीज़। अभी आप देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। दिसंबर 2020 में प्रमोटर के पास थे 42% शेयर, और वो पूरे प्लेस थे। 21 में भी प्लेस थे, जून 21 में भी प्लेस थे। इन्होंने सडनली सितंबर 21 में 44% प्लेस शेयर डायरेक्ट 11% पे लेके आए, और दिसंबर 2021 में इन्होंने अपनी कंपनी को पूरा रिटर्न खरीद लिया। अभी कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें FIIs भी कंटिन्यू अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 20 में इनके पास था 1.66%, 20 मार्च 2021 में 2.18%, जून 2021 में 2.2%, सितंबर 2021 में 3.96% और दिसंबर 2021 में 7.19%। ये FIIs भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इसमें। इस कंपनी में कुछ तो चल रहा है, इसलिए FIIs इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। DIIs भी कंटिन्यू अपना स्टेक बढ़ा रहे। दिसंबर 2020 में इनके पास था 0.07, ना के बराबर था, और दिसंबर 2021 में 1.44, 1.5% अभी ये होल्ड कर रहे हैं। और पब्लिक देखिए, दिसंबर 2020 में 56% थी, और इनका चार्ट पैटर्न अभी कम होते जा रहा है। ये शेयर बेच के निकल रहे और FIIs और DIIs खरीद रहे। अभी जब ये शेयर 500 तक चला जाएगा तब ये लोग इसमें घुसेंगे। पब्लिक अभी इस शेयर में
पब्लिक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अपने प्रमोटर ने प्ले शेयर खरीद लिए है, FIIs भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DIIs भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और पब्लिक की शेयर से निकल रही है, तो अभी नहीं निकलना चाहिए। ये कंपनी अभी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने वाली है, प्रॉफिट बना रही है ये कंपनी। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते डिटेल में, किसके पास कितना है। प्रमोटर के पास है 39.23%, FIIs के पास है 7.19%, DIIs के पास है 1.44%, और पब्लिक होल्ड कर रही है 51.97, लगभग 52% होल्ड पब्लिक होल्ड कर रही है इस कंपनी को। इसका रेवेन्यू देखते हैं, 2017 में इसका रेवेन्यू था 2131 रुपीज़, 31 करोड़। 2018 में 3227 करोड़, 2019 में जंप करके 4737 करोड़, 2020 में 3838 करोड़, और 2021 में 4422 करोड़। तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, उतनी भी ज़्यादा जंप नहीं है, एक ही इसमें खेल रहा है ये, तो अच्छा है अभी कंपनी के, ओके ओके रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 129 करोड़, 18 में 170 करोड़, 19 में 232 करोड़, 2020 में 238 करोड़, और 2021 में 246 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है इनके, तो ये शेयर अभी होल्ड करने के लायक हो चुका है। आप इस शेयर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाती रहिए, अगर आपको डीप मिलता है तो आप क्वांटिटी ऐड करते जाइए अपनी पोर्टफोलियो में। ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में, ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।